हेलो नमस्कार। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, सरल भाषा में कहें, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। किससे प्रोटीन सिंथेसिस करना? हमने पढ़ा हुआ है कि एज पर द सेंट्रल डोगमा द प्रपोज्ड बाय द क्रिक, द जेनेटिकल इंफॉर्मेशंस होती है वो फ्लो करती है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन में। यानी कि डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, जो जीन्स होती है, उसी के अनुरूप, उसी को फॉलोअप करते हुए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एमआरएनए बनता है, और वो एमआरएनए डीएनए की इंफॉर्मेशन को कोड के रूप में, मैसेज के रूप में साइटोप्लाज्म में लाता है। वहाँ पर राइबोसोम की हेल्प से क्या किया जाता है? प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट करना, अनुवादन करना, हिंदी में कहते हैं अनुवाद करना। किसको ट्रांसलेट कर रहा है वो? क्योंकि किस प्रकार की प्रोटीन बनानी है उसकी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो कोड के रूप में एमआरएनए के ऊपर रहती है। उन कोडेड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करना यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना और उस प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस का डिटरमिनेशन करना, ये ट्रांसलेशन प्रोसेस कहलाता है। तो अब पहले, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होता है और ये कहाँ होता है, और ट्रांसलेशन के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, पहले उनको देखेंगे फिर प्रोसीजर को समझेंगे। देखिए, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब क्या हुआ? हमने कहा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, या हम ये कह दें पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होना, संश्लेषण होना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन किसका बना होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन? दैट इज द एमिनो एसिड्स। तो डिफरेंट एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े तो डाइपेप्टाइड, तीसरा आया तो ट्राईपेप्टाइड, चार एमिनो एसिड टेट्रापेप्टाइड, इस तरीके से बहुत सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ करके एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, और उस लॉन्ग चेन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉली मीन्स हो गया मैनी, और पेप्टाइड क्या होता है? द बॉन्ड विच कनेक्ट्स टू एडजेसेंट एमिनो एसिड, दैट इज कॉल्ड एज द पेप्टाइड बॉन्ड। जब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ जाएंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो देखें, अब क्वेश्चन ही आता है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, विच फैक्टर डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन? दैट इज द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन द एमआरएनए। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो प्रोटीन बनेगी उसमें कौन कौन से एमिनो एसिड्स होंगे। हम जानते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन में 20 टाइप्स के एमिनो एसिड्स होते हैं, जिनकी डिटेल बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में आएगी। क्या कि 20 टाइप्स के एमिनो एसिड होते हैं, जिनमें से 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, और फिर वो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। यानी कि जो बनने वाली जो प्रोटीन होगी उसमें एमिनो एसिड कौन कौन से होंगे और उनकी सीक्वेंस कौन सी होगी। यानी कि एग्जांपल बात करें कि ग्लाइसिन हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ल्यूसिन हो गया, प्रोलिन हो गया, ये सीक्वेंस है या कुछ और सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का कंट्रोल कौन करता है? एमआरएनए के ऊपर जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जेनेटिक कोड्स की डिटेल भी हम अदर क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, उसके अंदर आप डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। तो एमआरएनए के ऊपर क्या होता है? कोड्स होते हैं। एमआरएनए क्या है? एक आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और राइबोन्यूक्लिक एसिड है किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं आरएनए के अंदर? आरएनए में चार प्रकार के होते हैं, ए, यू, जी, सी। वो न्यूक्लियोटाइड जो ए से बना एडिनिन से, वो न्यूक्लियोटाइड जो यू से बना यूरेसिल से, वो न्यूक्लियोटाइड जो ग्वानिन और साइटोसिन से बने, तो टोटल न्यूक्लियोटाइड तो चार ही है। फिर चारों न्यूक्लियोटाइड अलग अलग का सीक्वेंस बनाएंगे तीन तीन के ग्रुप में, और वो तीन तीन का ग्रुप है वो किसको शो करता है? एक अमीनो एसिड को, जैसे ए यू जी मैथियोनिन हो गया, जहाँ पर आ गया सी 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 तो वो प्रोलिन हो गया, जी यू जी तो वैलिन हो गया। तो इस तरीके से एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है उसमें तीन तीन के जोड़े, जिसको हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, वो एक एक अमीनो एसिड का डिटरमिनेशन करते हैं। तो एग्जाम आपको अगर पूछा जाए कि विच फैक्टर डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और द कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, देन आंसर इज द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन इन द एमआरएनए। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन, इन ए
पॉलीपेप्टाइड चेन किसके द्वारा डिटरमाइंड होगी? डिटरमाइंड बाय डिटरमाइनेशन होगा किससे? कोडोन से, या हम कहते हैं सिंपल सा सीक्वेंस ऑफ कोडोन्स ऑन एमआरएनए, एमआरएनए पर जो कोडोन की सीक्वेंस होती है उसी के अनुरूप होता है। चलिए अब बात करते हैं किसकी जरूरत होती है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है? विद सेल ऑर्गेनेल पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज द राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में डिटेल देखते हैं क्योंकि स्पेसिफिक मशीनरी है टू ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पहले किसकी? राइबोसोम की। राइबोसोम ये क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्री है, फैक्ट्री है सेल की, प्रोटीन का सिंथेसिस करने वाली। अब बात करते हैं राइबोसोम की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, पैलेडे नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। पैलेडे नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो टाइप की सेल्स होती हैं। वे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, और वो सेल्स जिसमें क्रोमोसोम्स आर नेक्ड और द फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म डिवाइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। तो राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोट्स में होते हैं 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो राइबोसोम की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे राइबोसोम हम लिख देते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं उसे हम बोलते हैं 70S और यूकैरियोट्स में आते हैं उसे बोलते हैं 80S राइबोसोम। 70S और 80S राइबोसोम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ है जो प्रत्येक राइबोसोम होता है। राइबोसोम की कंपोजिशन की अगर बात करें तो राइबोसोम बेसिकली बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। तो यहीं पर लिख देता हूं मैं कंपोजिशन की बात कि राइबोसोम किसका बना हुआ है। राइबोसोम बना हुआ है आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है। अब कहेंगे आरएनए कौन सा? आपने पढ़ा हुआ आरएनए तीन टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। नाम खुद बता रहे हैं, एमआरएनए इज द मैसेंजर आरएनए, है ना, विच ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन द मैसेज ऑफ द डीएनए इनटू द साइटोप्लाज्म, मैसेंजर आरएनए। वो तो नहीं होगा इसमें। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, विच ट्रांसफर द एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द एमआरएनए। नो, तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। एंड थर्ड टाइप ऑफ द आरएनए इज द राइबोसोमल आरआरएनए, आरआरएनए। तो ये राइबोसोम किसका बना होता है? आरआरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। चलिए, तो हमने कहा प्रोकैरियोट्स में 70S है, यूकैरियोट में होता है 80S टाइप का राइबोसोम होता है। ये जो राइबोसोम होता है, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट एंड द लार्ज सब यूनिट। यानी कि ये जो राइबोसोम है इसका अपने यहाँ पर अगर डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, इसमें दो होती है सब यूनिट्स होती है, एक ये हो गई और ये हो गई दूसरी सब यूनिट है। पहली वाली हो गई है, इसको हम कह देते हैं स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, इस तरीके से बनी होती है स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। यहाँ पर इसकी लेबलिंग कर देते हैं, ये हो गया स्मॉल सब यूनिट है और ये कौन सी है? लार्ज सब यूनिट है। राइबोसोम की दो यूनिट्स होती है, इसके बीच में कैनाल होती है जिसमें से एमआरएनए पास ऑन होता है। ये जो सब यूनिट्स होता है इसका मेजरमेंट क्या है, उसके बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विच टाइप ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो 70S होता है, लेकिन इसकी सब यूनिट होती है 30S और 50S। अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं सब यूनिट्स किसकी, 70S जो राइबोसोम है इसकी सब यूनिट्स कौन सी होती है, 30S और 50S। इसी तरीके से यूकैरियोटिक जो है 80S वाला राइबोसोम है इसकी सब यूनिट्स होती है 40S और 60S। ये सब यूनिट्स का मेजरमेंट है। इसको आप इस तरीके से नहीं समझेंगे कि यहाँ लिखा मैंने 70S है और 30 और 50 80 हो गए, या यहाँ 40 और 60 है वो 100 हो गया, लेकिन यहाँ पर 80S लिखा हुआ है। ये सेडिमेंटेशन कोफिशियंट है, इसकी हम डिटेल अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, राइबोसोम को जब पढ़ेंगे ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी। चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा ये दो सब यूनिट्स होती है, और ये जो लार्ज सब यूनिट है इसको अगर मैं दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दूँ यहाँ लेफ्ट और राइट पार्ट के अंदर, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो सीक्वेंस है, इसको हम कहते हैं ए साइट।
ये है ए साइट है, और ये दूसरी वाली जो साइट है इसे कहते हैं पी साइट बोलते हैं, पी साइट। पी साइट का मतलब होता है पेप्टिडाइल साइट बोलते हैं इसका, पी का मतलब होता है यहाँ पे पेप्टिडाइल साइट ऑफ द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और यहाँ पर ए का मतलब क्या है एक्सेप्टर साइट है, एक्सेप्टर साइट है ये। क्योंकि जो नया जब ट्रांसलेशन का प्रोसेसर पढ़ेंगे, नया एमिनो एसिड है वो एंट्री कहाँ से करेगा, ए से करेगा, ए साइड से, एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर हो गया, और ये हो गया पेप्टिडाइल साइट हो गया। चलिए तो ये तो ही बात अपने राइबोसोम की हमने कर ली है, और हमें क्या चाहिएगा प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, एमआरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमआरएनए। तो हम देखते हैं एमआरएनए कितने टाइप का होता है, प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है। अभी देखें यहां पर हमने क्या कहा, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन प्रोसेस हो गया, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ कोडोन ऑन द एमआरएनए। ओके, एमआरएनए की हमें जरूरत है। मशीनरी कौन सी है, राइबोसोम है, किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कितनी सब यूनिट्स होती है, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द राइबोसोम, हमने कहा 70S इन द प्रोकैरियोट्स, 80S इन द यूकैरियोट्स, और इनका कंपोजिशन बात करें 70S में ये वाली 30S स्मॉल सब यूनिट है, ये वाली लार्ज सब यूनिट है, इसी तरीके से स्मॉल और लार्ज है। अभी हम बात करते हैं एमआरएनए की, एमआरएनए कैसा होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, डिफरेंट डिफरेंट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अभी इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। तो प्रोटीन के ट्रांसलेशन के लिए जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट आइटम है राइबोसोम के बाद में वो कौन सा है, वो है एमआरएनए। एमआरएनए भी दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एमआरएनए का कंपोजिशन अलग अलग होता है, उन दोनों को हम समझते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, mRNA की बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो इनके कंपोजिशन को अभी हम देखेंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर मैं बना देता हूँ mRNA को, एक सिंप्लीफाइड mRNA बना लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, ये हो गया एक सिंप्लीफाइड mRNA, और mRNA पे एक एंड पे क्या होगा, फाइव एंड होगा, दूसरे पर क्या होगा, थर्ड एंड होगा। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती है उसमें एक एंड होता है फाइव एंड, दूसरा होता है थर्ड एंड, चाहे डीएनए से आरएनए। तो फाइव एंड पे और थर्ड एंड पे क्या क्या अरेंजमेंट होगा, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो इसका सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ से जब ट्रांसलेशन शुरू होगा तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर जीरो, क्योंकि एमआरएनए है तो उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की बहुत सारी सीक्वेंस होगी, उसमें से जो सीक्वेंस हमारे काम की है, मतलब एमआरएनए की वो सीक्वेंस जहाँ से प्रोटीन का सिंथेसिस प्रारंभ होगा उसको हम बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। तो ये वाला जो स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ए यू और जी। ए यू जी जेनेटिक कोड होगा हमेशा एमआरएनए के स्टार्ट पॉइंट पर। ये जो ए यू जी है वो मेथियोनिन का कोड होता है, एमिनो एसिड मेथियोनिन। जब कभी एमआरएनए के ऊपर ये कोड आएगा ए यू जी, तो टीआरएनए क्या करेगा, यहाँ पर आके किसको जोड़ेगा, मेथियोनिन। अभी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने कहा ए यू जी यहाँ पर कोड है, और इस कोड से ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। ये है स्टार्ट कोडॉन, ट्रांसलेशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। इसके बाद में यहाँ से लेकर के स्टार्ट कोडॉन चलता रहेगा, और जैसे ही यहाँ पे सीक्वेंस आ जाती है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेशन कोडॉन। ये कौन कौन से होते हैं टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं, ये हो गया UAA और G, और UG और A, ये वाले जो कोडॉन हैं इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन। इन सभी के जो डिटेल है वो जेनेटिक कोड वाले वीडियो के अंदर आप डिटेल में देख पाएंगे। तो यानी कहने की बात है, जब कभी ट्रांसलेशन प्रारंभ होगा, स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, कहाँ से होगा, इनिशिएट होगा एमआरएनए के ऊपर, जहाँ पे एयूजी कोड आता है वहाँ से ट्रांसलेशन प्रारंभ होगा, स्टार्ट होगा, और ट्रांसलेशन कहाँ एंड होगा, ट्रांसलेशन एंड होगा जहाँ पे आ जाएंगे टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेट करना, समाप्त करना, इसलिए टर्मिनेशन कोडॉन रखा हुआ है। ये जो दोनों ही कोडॉन है, कौन सा, टर्मिनेशन कोडॉन हुआ और स्टार्ट कोडॉन, इनसे पहले एक और स्पेसिफिक पार्ट है, उसे बोलते हैं यूटीआर, यानी कि टर्मिनेशन कोडॉन के बाद का पार्ट। यहाँ पर इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन है, इससे पहले का पार्ट एक विशेष पार्ट है, इसलिए आप इसको अलग से बना देते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं
UTR, ये वाला पार्ट, ये जो मैंने कह रहा हूँ यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, UTR कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो पार्ट बना हुआ है इसको भी हम क्या बोलते हैं, UTR, ये बना देते हैं UTR। UTR का मतलब क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी mRNA का वो भाग जिसके ऊपर ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो उसके काम के अनुरूप ही इसका नाम रख दिया गया है UTR। UTR का मतलब हो गया अनट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड क्या है, रीजन है, अनट्रांसलेटेड रीजन है किसका, अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ mRNA। इसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट कोडन से पहले वाला पार्ट वो भी क्या है, UTR है, यानी कि नाम दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ हम लिख चुके हैं कि UTR का मतलब क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन है जहाँ पे राइबोसोम अपना ट्रांसलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करता है, कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए बोलते अनट्रांसलेटेड। अब दो तरह के UTR रीजन है, पहला तो वो UTR रीजन है जो 5 एंड पर है, दूसरा UTR है जो 3 एंड पर है। तो हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, ये है 5 एंड UTR और ये वाला है, इसको हम कह सकते हैं 3 एंड UTR होते हैं। 5 एंड और 3 एंड पोजीशन के अकॉर्डिंग रखा गया है इनका नाम। 5 एंड में जो UTR है ये पहले है, कहाँ से, ट्रांसलेशन स्टार्ट होने वाले पॉइंट से पहले है, ये लीड कर रहा है, इसका नाम रखा गया है, इसको हम लीडिंग भी कहते हैं या लीडिंग UTR भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रेलर, ट्रेलर UTR भी कहते हैं जो 3 एंड के ऊपर आता है। तो नाम क्या हो गया इसका, एक तो हो गया आपके ट्रेलर हो गया और दूसरा हो गया लीडिंग हो गया। चलिए अभी और बात करते हैं UTR रीजन क्या काम करता है। UTR रीजन का जो बेसिक काम होता है वो है इसको mRNA को स्टेबिलिटी देना, और जो mRNA को जब स्टेबिलिटी देंगे तब ये काम हो पाएगा और ट्रांसलेशन है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, ये दो बेसिकली काम होता है। कौन कौन सा काम है, इसके काम को मैं यहीं पर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा आपके समझने के लिए। सबसे पहला काम ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ mRNA, mRNA को स्टेबिलिटी देता है कौन, UTR रीजन, UTR रीजन है mRNA को स्टेबिलिटी देता है। और क्या काम करता है, ये करता है एफिशिएंसी को, ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ट्रांसलेशन की जो एफिशिएंसी है उसे ये क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब और देखते हैं इसका क्या काम है, यहाँ पर आता हूँ। दोनों की बात कर दी आपने UTR के बारे, अब UTR इंपॉर्टेंट तो है, आपने कहा mRNA को स्टेबिलिटी दे रहा है और ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया, तो mRNA की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इससे मेडिकल लेवल पे चिकित्सकीय रूप से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है UTR में एबनॉर्मलिटी से, उसको हम देखते हैं कि अगर म्यूटेशन हो जाए UTR के अंदर तो क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग का नाम लिख देते हैं म्यूटेशन, म्यूटेशन इन UTR, ये जो UTR रीजन है अगर इसमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, इसमें अगर म्यूटेशन होगा तो एक तो ये प्रॉब्लम आएगी, प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, जो नॉर्मली किसी बच्चे का जन्म होता है, हम मानते हैं नेटल पीरियड कितना होता है इसका, 9 महीने का होता है, तो प्री मैच्योर बर्थ हो जाएगा अगर UTR के अंदर म्यूटेशन की क्रिया हो जाती है। और उसके अलावा अगर UTR में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो हमारे ब्रेन के अंदर सेरेब्रल एंजियोपैथी की बीमारी हो जाती है, म्यूटेशन अगर हो जाता है तो सेरेब्रल एंजियोपैथी की बीमारी भी हो जाती है। तो यहाँ पर अपने लिख देते हैं एक बार इसी के पॉइंट्स के बना करके लिख देते हैं सेरेब्रल एंजियोपैथी के बारे में,
है ना। तो हम ये कह देंगे हो गया सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी, सेरिब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी, ये म्यूटेशन से हो सकता है, और उसके अलावा प्री मैच्योर बर्थ की संभावना बन जाती है अगर म्यूटेशन हो जाता है यूटीआर में। इसे ज़्यादा डिटेल की हमें ट्वेल्थ और नीट के पर्पज से करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ पर मैं एक बार इसका नाम और लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीडर यूटीआर भी कहते हैं, जो मैंने अभी बोल दिया था आपको, ये लीडर वाला है। और ये वाला जो थर्ड एंड के ऊपर है इसको नाम है ट्रेलर, या इसको कहते हैं ट्रेलर, टी आर ए आई एल ई आर, ट्रेलर यूटीआर भी बोलते हैं। चलिए तो ये हो गया अपने किसकी डिटेलिंग आ गई यूटीआर के बारे में। अगेन एक बार मैं बता देता हूँ आपको यूटीआर कहाँ होता है, क्वेश्चन क्या बनेंगे, व्हाट इज द यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ एमआरएन, यूटीआर कहाँ होता है। तो हम कहेंगे यूटीआर कहाँ होगा, स्टार्ट कोडन, एयूजी कोडन है, स्टार्ट कोडन से पहले होगा, और ये जो टर्मिनेशन कोडन होता है यूएए, यूएजी और यूजीए, इसके बाद में होता है। फिर बात आती है कि कितने टाइप के हैं, दो, एक यूटीआर होगा फाइव एंड पे, दूसरा यूटीआर होगा थर्ड एंड पे। फाइव एंड पे यूटीआर होता है उसको बोलते हैं लीडर यूटीआर, और जो थर्ड एंड पर यूटीआर होता है उसे हम कहते हैं ट्रेलर यूटीआर बोलते हैं। ये क्या काम करते हैं यूटीआर रीजन, तो हमने कहा यूटीआर रीजन का काम होता है एमआरएनए को स्टेबिलिटी देना और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को एफिशिएंटली करना, अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन करना यूटीआर का पार्ट होता है। अगेन मैं वही बात रिपीटेशन करूंगा आपको कि जब कभी भी आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स में पढ़ें, चीज़ों को आराम से देखें और वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक बार में क्लियर नहीं हो पाएगी। आराम से जब इसको धीरे धीरे देखेंगे कि आपको मैं क्या मैसेज कन्वे करने वाला हूँ, डायग्राम की हेल्प से, डायग्राम के साथ साथ वॉइस ओवर को जो सुनेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी जो चीज़ आपको बोल के बताई जा रही है वो बिना बोले इस डायग्राम के द्वारा आप समझ सकेंगे क्या कि एमआरएनए होता है फाइव एंड और थर्ड एंड होता है, और ट्रांसलेशन स्टार्टेड फ्रॉम द एयूजी रीजन दैट इज कॉल्ड एज द स्टार्ट कोडन एंड इट कोड्स फॉर द मेथियोनिन। एंड द अदर एंड ऑफ द एमआरएनए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन कोडन दैट इज कॉल्ड एज यूएए, यूएजी एंड यूजीए। दीज थ्री कोडॉन्स टर्मिनेट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, दैट्स वाई कॉल्ड एज द स्टॉप कोडॉन, वी कैन ऑल्सो से द स्टॉप कोडॉन आर द टर्मिनेशन कोडॉन। और यूटीआर रीजन बिफोर द एयूजी कोड एंड आफ्टर द टर्मिनेशन कोडॉन ए स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द एमआरएनए व्हिच इज अनेबल टू ट्रांसलेट ए पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज कॉल्ड एज द यूटीआर और द अनट्रांसलेटेड रीजन ऑफ द एमआरएनए मॉलिक्यूल व्हिच प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू द एमआरएनए मॉलिक्यूल एंड व्हिच इंक्रीज और द एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्पिंग इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। If a mutation takes place in the UTR region, so many medical complications generate, just like the cerebral amyloid angiopathy and the premature baby birth हो सकता है। अब यहाँ पर हमने इन दो बातों को आपने समझ लिया है, एक और चीज़ important, इसके बीच में जो part है ये क्या काम करेगा, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ जो part जिसका translation होगा, translation कहाँ से होगा, यह मैंने कहा स्टार्ट कोडॉन से लेकर के स्टॉप कोडॉन के शुरू होने से पहले तक का जो एमआरएनए का पार्ट है वहाँ क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। यानी हम ये कह सकते हैं दिस इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ एमआरएनए। कौन सा, इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप क्लियरली ध्यान से समझेंगे। यहाँ से स्टार्ट कोडॉन को सम्मिलित करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट कोड को आप सम्मिलित कर लें वहाँ से लेके जस्ट प्रीवियस टू द स्टार्ट कोडॉन, दिस पार्ट ऑफ द एमआरएनए इज कॉल्ड एज द एक्चुअल फंक्शनल पार्ट ऑफ एमआरएनए, दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल फंक्शनल पार्ट ऑफ द एमआरएनए। why I am saying that actual functional part, because the prime function of mRNA is the synthesis of polypeptide chain, and this part directly involved in the synthesis of polypeptide chain, that's why I am saying this part of the mRNA is the functional part of the mRNA. ye mRNA ka functional part hai, kahan se kahan tak hai, start codon ko sammilit karte hue
है ना, इंक्लूडिंग द AUG एंड एक्सक्लूडिंग द टर्मिनेशन कोडॉन। AUG से शुरू करेंगे, AUG को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूड करते हुए, और कहाँ पे, जस्ट प्रीवियस टू द, जस्ट बिफोर द टर्मिनेशन कोडॉन, दिस पार्ट ऑफ mRNA, ये जो mRNA का पार्ट है उसको बोलते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ द mRNA। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इस पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो mRNA का पार्ट है, ये जो mRNA का पार्ट है कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगा। अगर इस mRNA के पार्ट से एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बने तो हम इसे बोलेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक, और अगर इस mRNA के पार्ट से एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बने तो हम इसे बोलेंगे पॉलीसिस्ट्रोनिक। यानी कि इस पार्ट को भी हम दो वी कैन से द फंक्शनल पार्ट ऑफ द mRNA इज टू टाइप्स। द फर्स्ट इज मोनोसिस्ट्रोनिक, यू कैन मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक, सिंपल में ये भी कह सकते हैं कि mRNA दो प्रकार के हो गए, फंक्शन के आधार पे mRNA दो प्रकार के हो गए, कौन सा मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA और पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA है, ठीक है ना। ये जो पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA है ये किस में होता है, ये होता है प्रोकैरियोट्स में, और ये किस में, ये होता है प्रोकैरियोट्स में और ये होता है यूकैरियोट्स में। तो यहां पर इसके नीचे हम लिख देते हैं ये किस में होगा, ये होता है यूकैरियोट्स में, और ये किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में, ये वाला mRNA होता है। तो नाम खुद ही बता रहा है, पोली को प्रो, कंफ्यूजन नहीं होना। कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाए मोनोसिस्टोनिक कौन सा है, पोली किस में, पोली वाला प्रोकैरियोट में होगा, तो अपोजिट हो गया, मोनोसिस्टोनिक किस में होगा, यूकैरियोट्स में होगा। हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर ट्रांसलेटेड एज इट्स नेम इंप्लाइज, द पॉलीसिस्टोनिक मीन्स ट्रांसलेटेड। ये वाला जो mRNA है वो क्या करेगा, ट्रांसलेटेड इंटू मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। दिस पार्ट ऑफ द mRNA इज एबल टू ट्रांसलेट मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट्स व्हाई वी से द पॉलीसिस्टोनिक एंड इट इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। एंड अदर टाइप ऑफ mRNA इज द मोनोसिस्टोनिक mRNA। मोनो मीन्स द सिंगल एंड सिस्ट्रोन मीन्स द एक्टिव जीन। पहले से हम डिस्कशन कर चुके हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द जीन्स, द रेकॉन म्यूटोन एंड द रेकॉन म्यूटोन एंड सिस्ट्रॉन। द रेकॉन इज द यूनिट ऑफ द रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटोन इज द यूनिट ऑफ म्यूटेशन एंड हियर द सिस्ट्रॉन इज द यूनिट ऑफ एक्चुअल फंक्शनल जीन। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक है, मोनो में सिंगल हो गया, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का ट्रांसलेशन होता है सच टाइप ऑफ mRNA से, इस टाइप के mRNA से। तो यहां पर हम लिख देते हैं ट्रांसलेटेड इंटू सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में इसका ट्रांसलेशन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्यू आर्स टू डेज, और पॉलीसिस्टोनिक इसका लाइफ स्पैन होता है लगभग 2 मिनट्स का इसका लाइफ स्पैन होता है। तो ये यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ये जो UTR है, इससे पहले एक और स्पेसिफिक सेगमेंट होता है यहां पे प्रोकैरियोट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द mRNA इन द प्रोकैरियोट्स, दैट इज कॉल्ड एज साइन डलगर्नो सीक्वेंस। ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है साइन डलगार्नो सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द mRNA, साइन डलगार्नो सीक्वेंस। शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है, साइन वेयर इज द सन डलगार्नो सीक्वेंस एट द प्रेजेंट ऑन mRNA, तो हम कहेंगे फाइव एंड के पास कहां, बिफोर द स्टार्ट कोडन, मे बी इन द ऑप्शन, बिफोर द UTR रीजन, तो पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए, या हम ये कहते हैं डाउन स्ट्रीम पार्ट। ये कई बार एग्जाम में बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, डाउन स्ट्रीम एंड द अप स्ट्रीम।
ये स्टार्ट कोडोन से पहले का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम बोलते हैं, और इसके बाद का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ये चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब स्टार्ट कोडोन से लेकर के टर्मिनल एंड की तरफ चलता है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम होते हैं। डाउन स्ट्रीम की तरफ जब न्यूक्लियोटाइड की काउंटिंग करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के आगे क्या लगा देते हैं हम, प्लस पॉजिटिवली, और डाउन स्ट्रीम वालों के क्या लगा देते हैं, माइनस। यानी कि स्टार्ट कोडोन से पहले गिनती करें माइनस वन माइनस टू माइनस थे, और यहाँ करेंगे तो प्लस वन प्लस टू प्लस थे, इसलिए हमने कहा डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम हो गया। ये साइंड और नो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या होती है इसको पहले अपने लिख देते हैं। इस सीक्वेंस में होता है ए जी जी, अगेन ए जी और जी और यू थर्ड एंड पे, ये सीक्वेंस होती है यहाँ पे बिफोर द यूटीआर रीजन इन द प्रोकैरियोट्स, कॉल्ड एज द साइंडल गार्नो सीक्वेंस। ये जो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था, इसको डिस्कवर्ड किया था, उनका नाम था जॉन साइन था, और एल वाई एन एन लाइन डल गार्नो, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस सीक्वेंस की डिस्कवरी की थी, इसलिए इनका 1973 में इसकी डिस्कवरी की थी। और इसका काम क्या होता है, राइबोसोम को बाइंड करना एमआरएनए के ऊपर, एमआरएनए पर राइबोसोम को जोड़ने का काम करता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम राइबोसोमल बाइंडिंग साइट भी कह सकते हैं। ये क्या काम करती है, ये पार्ट है राइबोसोम का बाइंडिंग साइट, ये है राइबोसोम का बंधन स्थल, राइबोसोम की बाइंडिंग साइट है साइंड अर्गलो सीक्वेंस। तो हमने कहा अब इसके ऊपर यहां पर राइबोसोम की बाइंडिंग साइट, राइबोसोम का कौन सा पार्ट इससे जुड़ेगा, हमने पहले ही कहा कि राइबोसोम किसका बना होता है, आर आर एन ए और प्रोटीन का, तो आर आर एन ए कौन सा, 16S आर आर एन ए ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड विद द साइंड अर्गलो सीक्वेंस, यहां पर हमने लिख देते हैं। इसके साथ में कौन सा पार्ट जुड़ता है, कौन बाइंडिंग करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसके साथ में बाइंडिंग किसकी होती है, पूछ लिया जाए अगर आपको तो आप क्या लिखेंगे, 16S आर आर एन ए विच इज प्रेजेंट कहाँ पे है, इन द स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ये इसके साथ जुड़ने का काम करता है, किसके साथ में, साइंड अर्गलो सीक्वेंस के साथ में। तो यहाँ पर अपने अभी बात किसकी की है, एमआरएनए की। दोबारा एक बार अगेन एक छोटा सा रिवाइज करेंगे, पूरे डायग्राम को केवल फोकस करें, इसकी लेबलिंग को फोकस करें, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ अगर आपने ये डायग्राम और इसमें जो कंटेंट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है अगर इसको आप ढंग से पढ़ लेंगे कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आप 12th बोर्ड में डिस्क्रिप्टिव लिख पाएंगे, अगर आप बीएससी में पढ़ रहे हैं तो बीएससी में भी आंसर को लिखना, आप यही डायग्राम को लें और उसको पूरा पूरा यहाँ पर इसी जो इसमें लिखा हो वैसे वैसे जिस सीक्वेंस मैंने बोला उसी में आपको लिखना है। जैसे ये आ गया एमआरएनए, स्टार्ट और टर्मिनेट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, द स्टार्ट कोडॉन क्या होता है, एयूजी होता है, बाद में आ गया टर्मिनेशन कोडॉन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूएए यूएजी एंड यूजीए, इसके बीच में कौन सा हो गया, ये हो गया फंक्शनल पार्ट। सीक्वेंस में जो आप तो फाइव एंड, यहाँ क्या है साइंड अर्गलो सीक्वेंस, उसके आगे क्या होगा यूटीआर रीजन होगा, उसके आगे चलेंगे तो स्टार्ट कोडोन होगा, फिर क्या होगा फंक्शनल जीन का पार्ट होगा, अगेन क्या होगा टर्मिनेशन कोडोन होगा, उसके बाद में क्या होगा अगेन यूटीआर आएगा, इनके क्या क्या काम है क्या टाइप्स है वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आई है। तो ये जो बोर्ड के ऊपर किया हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में आराम से उतार लें, लेकिन वीडियो जब देखें तो पहला बेसिक इंपॉर्टेंट काम है इसको समझना और इसको देखना, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम जब क्लास के अंदर पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टीचर जो बोर्ड पे ब्लैक बोर्ड पे काम करा रहे हैं हम उसी को कॉपी में नोट करने में ही अपना टाइम वेस्टेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हम कॉपी में उसको उतार तो पाते हैं लेकिन वो टॉपिक हमें समझ में नहीं आ पाता है, तो वो कॉपी के अंदर क्या हुआ ट्रांसलेटेड हो गया, ब्रेन में ट्रांसलेटेड नहीं हुआ है। तो इसलिए स्पेशली मैं ये कहूँगा जब मॉलिकुलर बायोलॉजी की या जेनेटिक इंजीनियरिंग इस टाइप के जो टॉपिक पढ़ते हैं पहला काम जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी बात को सुने समझें, नोट करने का काम बाद में कर लें, अदरवाइज मैं अभी कुछ सेकंड के लिए साइड में हो जाऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आप नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो
तो अभी हमने ये समझ लिया था कि प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स है, उसके एमआरएनए में भी क्या क्या पार्ट होते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर तो सभी में, बेसिक स्ट्रक्चर सभी में सेम है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। जैसे कि अभी हमने रिविजन भी कर लेंगे साथ साथ में, प्रोकैरियोट्स एमआरएनए उसमें होता है फाइव एंड, इसमें भी होगा, दूसरी तरफ थर्ड एंड होगा, इसमें भी होगा। और इसी तरीके से मैंने कहा यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में क्या थे, स्टार्ट कोडन था AUG, इसमें भी होगा, और इसके दूसरे एंड पर क्या होगा, टर्मिनेशन कोडन जिसको हम बोलते हैं UAA, UAG या UGA, ये क्या है, टर्मिनेशन कोडन यूकैरियोट्स के mRNA पर भी होगा। और इसके बीच में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी हमने बात की थी अभी प्रोकैरियोट्स के दौरान, यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है। ये क्या कहलाती है, कोडिंग सीक्वेंस कहलाती है। कोडिंग सीक्वेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, इसी से होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होता है। और इसी तरीके से जैसे कि प्रोकैरियोट्स में था, यहाँ पे आफ्टर द टर्मिनेशन कोडन और द बिफोर द इनिशिएशन कोडन द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एमआरएनए विच इज विच डोंट पार्टिसिपेट डजंट पार्टिसिपेट इन द ट्रांसलेशन, इस पार्ट का नाम क्या है, UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। अगेन हियर जस्ट बिफोर द स्टार्ट कोडन एंड अनदर UTR, फाइव एंड UTR इज प्रेजेंट ऑन द mRNA, जिसकी डिटेल भी हम अभी प्रोकैरियोट्स के द्वारा पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक mRNA में और यूकैरियोटिक mRNA में। यहाँ पे यूकैरियोटिक mRNA के अंदर फाइव एंड होगा, इसके ऊपर एक कैप होती है इसको स्टेबिलिटी देने के लिए, और थर्ड एंड होता है वहाँ पर होती है एक टेल होती है। यानी कि यहाँ पे थर्ड एंड पे mRNA का जो पार्ट है इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं पोली ए टेल होती है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करें फाइव एंड के ऊपर, यहाँ पे ये स्पेसिफिक पार्ट है, इसे कहते हैं कैप, कैप ऑफ mRNA मॉलिक्यूल, कैप है। इसको कई बार हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 7mg भी लिखते हैं। 7mg क्यों लिखते हैं, 7-methylguanosine बोलते हैं इसको, 7-methylguanosine, इसको क्या बोलते हैं, 7-methyl और ग्वानोसिन की ये कैप होती है। इसकी डिटेल के बारे में, कैप और टेलिंग कैसे बनती है, ये हम ट्रांसक्रिप्शन वाले चैप्टर में वीडियो में कर चुके हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। अपने ट्रांसक्रिप्शन की तीन वीडियोस बनाई गई है, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में तो उसके पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड किया हुआ है, तो ट्रांसक्रिप्शन के तीनों आप वीडियोस को देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर रह पाएगा इस कैपिंग के बारे में और टेलिंग के बारे में समझना। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है किसके, द डिफरेंस बिटवीन द mRNA ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रांसलेशन में काम में आने वाला, उसको बोलते हैं हम tRNA बोलते हैं, ट्रांसफर RNA। यहाँ पे T का मतलब क्या है, T का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफर RNA बोलते हैं। क्यों, किसका ट्रांसफर हो रहा है, ये एमाइनो एसिड का ट्रांसफर करते हैं। कैसे होगा वो तो आप प्रोसीजर में डिटेल में देख पाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर मैं केवल नाम लिख रहा हूँ कि ट्रांसफर किसका करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांसफर ऑफ एमाइनो एसिड्स, कहाँ तक ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ एमाइनो एसिड, ट्रांसफर टू mRNA पे। नहीं, mRNA खुद तो जाएगा नहीं, mRNA का नाम है मैसेंजर RNA, वो न्यूक्लियस से मैसेज लेकर के साइटोप्लाज्म में तो आ गया। अब mRNA के ऊपर एक सीक्वेंस है, वो तो खड़ा हो गया और वो तो कह रहा है, साहब ऑर्डर मार रहा है कि हमारे यहाँ पर पहला कोड आ गया AUG, अब मेथियोनिन को लेकर आओ, और उसके ऊपर बैठा राइबोसोम कह रहा है कि मैं इसको जोड़ दूंगा। लाने का काम कौन करेगा, tRNA साइटोप्लाज्म में जाएगा, मेथियोनिन को ट्रांसफर करके लाएगा और इनिशिएशन कोडॉन से जोड़ देगा। फिर अगला कोड मान लेते हैं कि आ गया CCC जो कि होता है प्रोलिन का, फिर tRNA जाएगा प्रोलिन को लाएगा और फिर वो जोड़ देगा। ये जोड़ने का काम राइबोसोम करता रहेगा, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो ट्रांसफर RNA क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ एमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से कहाँ लाएगा, टू द कोडॉन ऑफ द mRNA। डिटेल में आगे आ जाएगा, प्रोसीजर में आप डायग्राम देखेंगे इजीली समझ पाएंगे, बहुत इजी काम है। तो हमने कहा ट्रांसफर RNA बोलते हैं इसको। इसी RNA का एक और नाम है, इसको sRNA भी बोलते हैं, sRNA भी बोलते हैं। यहाँ पर S का मतलब होता है सोल्यूबल बोलते हैं। इसी को हम एडेप्टर RNA भी बोलते हैं, एडेप्टर RNA।
ये सब इसके सिनोनिमस हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द है, एक ही चीज़ के कई नाम बने गए हैं। इसको हम इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं, ये जो टीआरएनए है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, ये है इंटरमीडिएटर कह दो, इंटरमीडिएट कह दो, इंटरमीडिएटर, इंटरमीडिएटर है किस किस के बीच में। देखिए एमआरएनए पर सीक्वेंस होती है, यहां पर हमने कहा कि ये क्या है, एमआरएनए है, एमआरएनए पर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और इन दोनों के बीच में ये वाला काम करने वाला इंटरमीडिएटर कौन है, टीआरएनए है, है ना। एमआरएनए के ऊपर जेनेटिक कोड थे, टीआरएनए लेकर आया अमीनो एसिड को, जोड़ता रहा, फिर अमीनो एसिड को लाया, टीआरएनए लाता रहा, जोड़ता रहा, प्रोटीन बन गया। तो एमआरएनए और प्रोटीन के बीच का इंटरमीडिएटर या इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का काम कौन करता है, टीआरएनए मॉलिक्यूल करता है। टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर को आप जब आप देखेंगे तो हम बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए इज, तो हम कहते हैं इट इज सीम्स लाइक द रिजेंबल्स लाइक द क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ की तरह, क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, या हम इसको इनवर्ट एल शेप्ड, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि इसकी शेप कैसी होती है, इसका आकार कैसा होता है, तो हम क्या कहेंगे, टीआरएनए का आकार कैसा होता है, क्लोवर लीफ की तरह होता है, इसीलिए इसके स्ट्रक्चरल मॉडल को क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये कैसा है शेप में, इनवर्ट एल शेप्ड, इनवर्ट एल शेप, एल का इनवर्ट करना, उल्टा करना है। मैं जब यहाँ पर आपको बार बार जब समझाऊंगा तो इस तरीके से बनाऊंगा टीआरएनए को, तो आप समझ जाना ये टीआरएनए को, एल कैसे होता है, एल तो ऐसे होता है, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया तो इसका नाम हमने क्या रख दिया है, इन्वर्टेड सेप, इन्वर्टेड एल है। और जब कभी मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टीआरएनए की कर रहा हूँ, और ये जो तीन लाइनें हैं यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं एंटीकोडॉन सीक्वेंस बोलते हैं, वो देखेंगे अभी क्या है। तो ये बात है कि टीआरएनए की ये ट्रांसफर करेगा, एसेंशियल पार्ट है ट्रांसलेशन का, द ट्रांसफर ऑफ द अमीनो एसिड टू द एमआरएनए, सोल्यूबल आरएनए, एडेप्टर आरएनए, इंटरमीडिएट बिटवीन द एमआरएनए एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल, और द शेप, शेप कैसी शेप है इसकी, क्लोवर लीफ मॉडल और इन्वर्ट एल शेप्ड होती है, वास्तव में कैसा होता है उसकी भी अभी बात अपने कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप देखें, एक रफली यहाँ पर डायग्राम बना दूँ, ज़्यादा डिटेल में इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीआरएनए के लिए आपको आरएनए की स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है उसमें इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक फिर भी अपने एक आउटलाइन बता देते हैं कि आपको डायग्राम बनाना पड़े एग्ज़ाम में तो किस तरीके से बनाओगे। टीआरएनए की स्ट्रक्चर को इस तरीके से हम बना सकते हैं एग्ज़ाम में, और टाइम कम लगेगा, और इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे कम टाइम में बन पाएगा। बायोलॉजी में जितने अच्छे डायग्राम बनेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। जैसे एमआरएनए में पढ़ा फाइव एंड और थर्ड एंड होता है, इसमें भी होगा फाइव एंड और थर्ड एंड, इसका ये वाला है एंड फाइव, यहाँ पर होता है गुआनिन होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं फाइव एंड, ये वाला दूसरा पार्ट है इसका थर्ड है, इस थर्ड एंड के ऊपर एक तो सीक्वेंस होती है सी सी ए, और ये कौन सा है थर्ड एंड है, सी सी ए सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस किसी अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है वो तो पेयरिंग कर चुके हैं, ये वाले कैसे हैं अनपेयर्ड है, ये है अनपेयर्ड, क्या सी सी ए सीक्वेंस कहाँ पर होती है एग्जाम में पूछ लें तो हमने एट द थर्ड एंड ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए के थर्ड एंड पर होता है। फाइव एंड पर कौन सा रेजिड्यू पाया जाता है उसको हम बोलते हैं गुआनिन रेजिड्यूज कहते हैं। यहाँ पर ये गोल लूप बना हुआ है इसको हम बोलते हैं डी एच यू लूप बोलते हैं, ये वाला जो लूप है इसे कहते हैं डी एच यू लूप कहते हैं, ये वाला हो गया डी एच यू लूप होते हैं, डी एच यू, डी एच यू लूप कहते हैं, और इसका नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन। इसका नाम की बात करें क्यों रखा गया है तो हम कहेंगे ये नाम बना हुआ है डाई हाइड्रोक्सी और यूरिडिन, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन है उससे बना हुआ इसका डी एच यू इसका नाम रखा गया है। पूछ लेते हैं ये कौन सा लूप है पोजीशन क्या है तो आप कहेंगे फाइव एंड से गिनती करो तो इधर से गिनती करोगे, अगर कहते थर्ड एंड की तरफ से तो इधर से गिनती करोगे, तो फाइव एंड के पास से गिनती करने पर ये कौन सा लूप है पहला लूप है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे तो कन्फ्यूजन करेंगे आपको। ये जो सेकेंड जो लूप है इसको हम बोलते हैं टी फाई सी लूप बोलते हैं, ये वाला लूप टी आर एन ए का उसे बोलते हैं टी साई और सी, इसको बोलते हैं टी साई सी लूप।
अब ये कहते हैं टी साई सी लूप कहां होता है, तो आप कहेंगे थर्ड एंड से काउंटिंग करेंगे तो पहला ग्रुप होगा। ऑब्जेक्टिव यही तो बात है, कहते टी फाई टी साई और सी लूप कहां है, फ्रॉम द फाइव एंड ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे देखिए फाइव एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द फाइव एंड, लेकिन फर्स्ट कहां से है, थर्ड एंड से। तो वो ऑब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपको कितना कंफ्यूज कर रहा है और आप कितने कंफ्यूज हो रहे हैं। इसको राइबोसोमल बाइंडिंग लूप भी बोलते हैं। ये वाला जो लूप है इसका हम ऐसा भी बोल सकते हैं, राइबोसोमल बाइंडिंग लूप भी बोलते हैं। और यहां पर जो नीचे जो तीन पार्ट बना हुआ ये वाला, इसको कहते हैं एंटीकोडोन होते हैं। यहां पर यह है एंटीकोडोन होते हैं, इसका नाम भी आप क्या रख दो, एंटीकोडोन लूप। अब एंटीकोडोन क्या काम आते हैं, आगे आ जाएगा, एमआरएनए के कोडोन के साथ में ये बाइंडिंग करते हैं, इसलिए उसको एंटीकोडोन कहते हैं। यहां पर क्या होते हैं, सेवन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यहां पे। सेवन कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से सेवन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 1 2 ये वाला 3 4 5 6 और 7, एक लूप में सेवन न्यूक्लियोटाइड है और उसमें बीच वाले जो तीन है, दो लेफ्ट राइट के साइड, दो तीन वाले बीच वाले, ये एंटीकोडोन लूप कहलाते हैं, जो कि कोडोन के साथ में बाइंडिंग का काम करते हैं। ये है इसी तरीके से ये वाला जो डी एच यू जो लूप बना हुआ है, ये जो डी एच यू लूप है इसको एमिनो एसाई लूप भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अपने टी आर एन ए की अपने सीक्वेंस की बात कर रहे हैं और स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हमारे लिए है बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो गई है ट्रांसलेशन के लिए। तो ट्रांसलेशन के लिए पहले हमने क्या बताया, हमें क्या चाहिए, राइबोसोम चाहिए, हमने पढ़ लिया, फिर एमआरएनए पढ़ लिया, एमआरएनए कितने टाइप के हैं वो पढ़ लिया है, और फिर हो गया टीआरएनए, तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद में एमिनो एसिड, उसकी तो जरूरत पड़ेगी, और हमें एंजाइम्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द एमिनो एसिड्स। तो रिक्वायरमेंट के अंदर नेक्स्ट अगर नाम केवल लिखना हो तो मैं बता दूंगा, इन सब चीज़ों के अलावा आपको चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, एंड देयर आर टोटल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस कॉल्ड एज द प्रोटीनस एमिनो एसिड्स। उसकी डिटेल बायो केमिस्ट्री में आएगी। यहाँ पर एमिनो एसिड है और हमें क्या चाहिए, एंजाइम, जैसे एमिनो एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम हमें चाहिएगा। उसके अलावा हमें पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी डिटेल के बारे में अब प्रोसीजर जब शुरू करेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा, कौन सा एंजाइम कहाँ काम आता है, टीआरएनए मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से काम आता है, ठीक है। तो अभी अपने प्रोसीजर को शुरू करने वाले हैं जस्ट ही, तो रिलैक्स में होकर के इसको समझिएगा, बहुत ईजी काम है।